सर्वयोने सर्वत्रिकंडे त्रैलोक्यमोहने बुद्ध्याकर्षिणी अहंकारासक्ति। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कामाख्या देवी मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां महिलाएं अपने मासिक चक्र के दौरान पूजा कर सकती है। दोस्तों ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि आप इसके रहस्य में खोते चले जाएंगे। एक तरफ तो मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर तंत्र मंत्र से भरा हुआ है। जब तक कोई तांत्रिक इस मंदिर में आकर तंत्र मंत्र की साधना ना कर ले, तब तक वो पूरी तरह से अपनी तंत्र विद्या नहीं सीख पाता। ऐसे में सवाल ये आता है कि ये मंदिर इतना खास क्यों है, क्यों ये पूरी दुनिया को हैरान करता है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी शहर में स्थित है, जहां गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल की पहाड़ियों पर माता कामाख्या देवी का मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना हुआ है जो प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस पर भी हमला किया। 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडर में बदल दिया था, लेकिन फिर बिहार के कोच वंश के संस्थापक वेशो सिंह ने इस मंदिर को दोबारा से गठन किया और यहां पर भक्तों का मेला लगने लगा। इस मंदिर का निर्माण भारतीय वास्तुकला में किया गया है, लेकिन कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ पर किसी मूर्ति की नहीं बल्कि योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों इसके पीछे एक पुरानी कथा है, क्योंकि कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। ये बात उस समय की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। वहीं एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के प्रति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस बात से काफी क्रोधित हो गई और फिर बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई। इसके बाद राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का काफी तिरस्कार किया। अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान सती से सहा नहीं गया और फिर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। वो माता सती के मुंह में दुखी हो जाते हैं और कैलाश चले जाते हैं। तब उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े हो जाते हैं। वही टुकड़े जहां जहां गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भ भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जिससे कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई और इसी वजह से इस मंदिर को कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देवी की योनि होने की वजह से माता रजस्वला होती है, यानी कि मासिक धर्म होता है। ये देवी के सभी 51 शक्तिपीठों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आज करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हालांकि इससे जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक कामदेव भगवान ने जब अपना पुरुषत्व खो दिया था, तब उन्हें इस स्थान पर सती की गिरी योनि और गर्भ से दोबारा अपना पुरुषत्व प्राप्त हुआ था। दोस्तों एक तरफ तो जहां पूरे देश में महिलाओं के मासिक धर्म को अपवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मासिक धर्म के दौरान कामाख्या देवी मंदिर को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है।
इतना ही नहीं, माता का योनि भाग गिरने की वजह से यहाँ पर माता 3 दिनों के लिए रजस्वला होती है, और जब ऐसा होता है तो मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है। 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अंदर एक सफेद कपड़ा रख दिया जाता है। 3 दिनों बाद जब कपाट खोला जाता है तो वो सफेद कपड़ा लाल कलर का हो जाता है और उसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। बाद में इस कपड़े के टुकड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है जो कोई भी उस लाल कपड़े के रूप में माता का प्रसाद लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। माता उस इंसान के सभी कष्टों को दूर कर देती है और उसे सुख समृद्धि से संपूर्ण कर देती है। इतना ही नहीं, जब अम्बुबाची मेला लगता है तो पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के लाल होने के पीछे चमत्कार है। इसके पीछे ये तथ्य है कि 3 दिनों तक जो देवी का मासिक धर्म चलता है उसी वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। लेकिन उस पानी को यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। जब यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है तो ये पूरा इलाका मेले की तैयारी में जुट जाता है। आसपास के इलाकों में कृषि कार्य से लेकर खुदाई जुताई सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ माँ की भक्ति चलती है। दोस्तों, इस मंदिर में तांत्रिक विद्या बड़ी ही मशहूर है। लोग कर्म कांड या कर्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ अनेक इच्छाएं लेकर आते हैं। कहा तो ये भी जाता है जब तो कोई तांत्रिक कामाख्या देवी मंदिर पर जाकर तपस्या नहीं करता तब तक वो पूरी तरह से तांत्रिक नहीं बन पाता। तंत्र साधना के लिए ये सबसे लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ काला जादू भी होता है। अगर किसी पर काला जादू किया होता है तो वो यहाँ आकर अपनी समस्या से निजात भी पा सकता है। यहाँ रहने वाले तांत्रिक चमत्कार करने में माहिर हैं। उनके अंदर ऐसी शक्तियां होती है जो दुनिया के किसी भी तांत्रिक के पास नहीं होती। कुछ तांत्रिक तो ऐसे होते हैं जो चुटकियों में इंसान को गायब भी कर सकते हैं। हालांकि अब इस तरह की तंत्र विद्याएं बहुत ही कम तांत्रिक कर पाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ ऐसे तांत्रिक हैं जिन्हें एक से बढ़कर एक खतरनाक तंत्र विद्याएं आती है। दोस्तों, माँ कामाख्या देवी मंदिर में कोई भी देवी प्रतिमा नहीं है। चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है, जहाँ एक प्राकृतिक झरने के कारण इस जगह पर हमेशा गीला रहता है, जो कि सच में चमत्कार से कम नहीं है। इस झरने के पानी को काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि जीवन में एक बार ही सही आपको कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि ये मंदिर कितना ज्यादा चमत्कारी है। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।